हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों के पेपर भी बहुत अच्छे गए होंगे। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो डाला था, वहाँ पे ये जानने के लिए कि आप लोगों के मिनिमम कितने कितने मार्क्स आए हैं, गलत क्वेश्चन जो लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं उनको हटा के। तो बहुत लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स अपने कमेंट किए और उससे पता चल रहा है कि कट ऑफ बहुत बढ़िया वाला जाने वाला है। और जैसे कि मैंने आबकारी का कट ऑफ भी डाला हुआ था, तो लगभग उसके आसपास ही कट ऑफ गया है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पीएससी का कट ऑफ डाला जाए। बट एक पोल के बेसिस पे मोस्टली लोगों ने उस पे डाला हुआ था, मेरे पोल पे मेरे बताया हुआ था कि उनके इतने मार्क्स आए हैं, विद कैटेगरीज बताया हुआ था। और अगर देखा जाए कि अगर हम कट ऑफ की बात करें, तो पहली बात तो यहाँ पे बहुत से लोग बोले कि बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस गलत है। हो सकता है कि आंसर्स जो हैं उनके कुछ अलग हैं या कुछ डिफरेंट दिए हुए हैं या कुछ उसके आसपास हैं, तो वो तो आने के बाद ही पता चलेगा जो भी आयोग उसका आंसर बताएगा। और या तो फिर वो क्वेश्चन डिलीट होंगे और या तो फिर आपको उसके मार्क्स मिलेंगे, जैसे कि पिछले बार हुआ था। और देखा जाए कि जो इस बार का पेपर हुआ है वो सेम टू सेम बिल्कुल पिछले बार के पेपर के जैसा ही है। बहुत ही एक एक परसेंटेज तक वो इजी पेपर ही पूछा था, बट कुछ 30% जो है उसने टफ पूछा, 70% ईजी पूछा, 30% जो है कुछ क्वेश्चन टफ पूछे थे। और कोई क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे बहुत से होते हैं जो कहाँ से आ जाते हैं वो किसी को भी अंदाज़ा नहीं होता है। तो अगर हम बात करें तो ये जो हमारा 2023 में पेपर हुआ था, जो हमारा 2022 पे 19 जून को पेपर हुआ था, सेम एज इट इज ऐसा ही पेपर था। अगर हम डिफ़िकल्टी और ईजी लेवल की बात करें तो सेम एग्जैक्ट ऐसे ही पेपर था। लेकिन अभी भी मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अपने मार्क्स को थोड़ा कम करके ही रखिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्शन की लिस्ट आने के बाद जब वो मतलब हमारे एक नए मार्क्स बनते हैं, तो यही होता है कि या तो बहुत खुशी होती है या तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो अपने जो आप रियल मार्क्स है, जितने आपने क्या किया हुआ है, सही है, बिल्कुल सही सही है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन ना लगा हो, तो वही मार्क्स को आप काउंट करिएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा ही दुख होता है कि मार्क्स जो है कम आ रहे हैं, और मेरा भी पिछली बार ही ऐसा हुआ था। तो इस बार का भी अगर हम कट ऑफ डिस्कस करें, तो पिछले बार के कुछ चीज़ों के मुद्दों को ध्यान रखते हुए हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात मैं बता दूं कि ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक अनुमानित कट ऑफ है। बहुत से लोग सोच रहे हैं कि हम आगे मेंस की तैयारी करें कि ना करें, कि हम इंतज़ार करें, है ना। तो ये एक्सपेक्टेड है। अगर इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आजू बाजू भी अगर आप आ रहे हैं, आसपास भी हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि कट ऑफ जो है आप जो है आगे मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्सपेक्टेड है। बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट ना करें क्योंकि एक्सपेक्टेड है, भगवान करे जो मैं बताऊं उससे कम ही जाए या जो भी हो सकता है। लेकिन अगर हम देखे जाए, अगर पिछले बार के अनुमानित देखे जाएँ, क्योंकि हम मैंने जो है पिछले बार जो वीडियो डाला था उस पर जो है कई सारे साल के कट ऑफ डाले थे, और तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये है, और लोगों के कमेंट करने के बेस्ड पे ये कट ऑफ डिसाइड किया है कि इतना कट ऑफ तो जा ही सकता है, इससे कम अगर मैं बात करूँ तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतना तो है ही है, क्योंकि इतना पेपर ईजी था ही। तो जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे पहले ही मैं एक इंस्ट्रक्शन बता दूँ कि जो MBBS एक्सपेक्टेड कट ऑफ ही है, वो यहाँ पे अपडेट और डिटेल पेपर एनालिसिस के बेस पे बनाया गया है। और जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये एंटीसिपेटरी इन नेचर है, दैट इज बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ MBBS क्वेश्चन पेपर 2023। डिफिकल्टी के लेवल पे है और वैकेंसी कितनी है उसके बेस पे भी कट ऑफ डिसाइड होता है। और यहाँ पे हियर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ना कि कोई एक ऑफिशियल कट ऑफ है। इट मे वेरी एक्चुअल द कट ऑफ अनाउंस बाय MBBS, और मेनली तो हम बाद में देखेंगे ही कि MBBS क्या कट ऑफ अनाउंस करता है। लेकिन जो लोग अभी संशय में हैं कि हम मेन्स की तैयारी करें कि ना करें, तो अगर आप इस कट ऑफ के आसपास हैं तो आप डेफिनेटली मेन्स की तैयारी कर दें। और लेकिन अगर आप नहीं भी हैं तो भी मेन्स की तैयारी करिए, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा दिसंबर में नोटिफिकेशन फिर आएगा, फिर हमारा पेपर होगा प्री का, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जिस बार की गलतियां हुई हैं वो आगे नहीं होंगी, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि कैटेगरी, ठीक है, हम बताते हैं यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स, ऊपर कैटेगरी लिखी रहेगी, नीचे कट ऑफ मार्क्स लिखे रहेंगे। तो सबसे ये है कि अगर हम जनरल की बात करें, तो जनरल का जो हमारा कट ऑफ है ये हमारा 146 से 155 रह सकता है, ठीक है। 146 145 मतलब 273 जनरल, और 55 इसके आसपास ये नंबर हैं, ठीक है। और ये जो हम 73 या 72 या 71 कहते हैं, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और जब हम इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास ये नंबर क्या है निकल के आ जाता है, ठीक है। तो जनरल का एक्सपेक्टेड 146 से 155 हम कह सकते हैं एक्सपेक्टेड है। OBC का फिर हम उसे कम आ जाएंगे, 71 45 आ जाएंगे, और SC का जो है 130 141 आ जाएंगे, और ST का है वो 120 129 कट ऑफ एक अनुमानित, एक एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए पेपर का लेवल जो था वो कहीं ना कहीं 60% ईजी था, 40% हम कह सकते हैं टफ था, और उसमें भी रही कुछ ऑब्जेक्शन की बात भी, तो उसमें ऑब्जेक्शन भी लगे हुए हैं। तो अभी बहुत लोगों के एक दो नंबर के मार्क्स ऊपर नीचे होंगे, बट हमारी जो मेन लिस्ट जनरल से उठती है उसके नीचे ही सारे कट ऑफ रहते हैं। तो इसका 146 अगर हम देखें, 73 से लेके 77
बस इससे न ज्यादा और इससे न कम कट ऑफ मुझे नहीं लगता है कि जाना चाहिए, जितना कि पिछले बार के कट ऑफ को देखा जाए और पेपर के लेवल को देखा जाए। और हर बार ऑब्जेक्शन लगते हैं, हर बार कई तरह के क्वेश्चन डिलीट होते हैं, हर बार कई बोनस अंक मिलते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एमपीपीएससी का कट ऑफ बहुत ही ऐसा हुआ है कि बहुत ईजी पेपर आया हो तो 68 69 इस तरह का गया हो, लेकिन इस बार का पेपर भी कुछ पिछले साल के लेवल पे ही था और पिछले साल के लेवल के हिसाब से ही ये इतना कट ऑफ पिछले साल भी गया था और इतना कट ऑफ मुझे ये अनुमानित लगता है कि ये कट ऑफ यहाँ तक जाएगा। तो अगर आप लोगों के मार्क्स यहाँ तक हैं, अगर आप लोगों के नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ तक अटैम्प्ट हो रहे हैं ऑब्जेक्शन को हटाने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हटाने के बाद, मतलब जिसमें ऑब्जेक्शन लगा हुआ है और उनको हटाने के बाद अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप पक्का है कि आप प्री जो है प्रीलिम्स जो है वो पक्का क्वालिफाई करने वाले हैं और आप लोग मेंस की तैयारी में बिल्कुल लग जाइए। और जिनके नहीं भी हैं, जैसे कि मेरा ही पिछले साल नहीं हुआ था, मेरे भी इसके आसपास ही मार्क्स थे, लेकिन ऑब्जेक्शन लगने के बाद जो है कई मार्क्स कम हो गए थे क्योंकि वो शायद फिर कम क्वेश्चन पे फिर वो शायद कट ऑफ बना हुआ था, 197 198 पे ये कट ऑफ बना हुआ था। तो आप लोग जिनके भी नहीं हैं, जिनके हैं उनके लिए तो गुड लक, और जिनके नहीं है वो भी मेंस की तैयारी कंटिन्यू रखिए। देखिए मेहनत तो करनी है, अभी नहीं तो बाद में। तो जिनको है ये चाह कि ये पोस्ट चाहिए ही चाहिए या ये एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है, दुखी ना हो और आप लोग अपनी मेहनत कंटिन्यू करिए। और नेक्स्ट अभी फिर से नोटिफिकेशन आएगा तो आप मेंस की तैयारी, मतलब मुझे लग रहा है कि जितने लोग भी ये वीडियो को सुन रहे हैं, प्लीज़ आप लोग जो है मेंस की तैयारी कंटिन्यू कर लीजिए। जिनका होना है कि नहीं होना है वो अलग मैटर है, होगा तो आपको मेंस देने के लिए अच्छा मिल जाएगा, आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन अगर आप भरोसे बैठेंगे तो फिर वो मुश्किल है, ठीक है। और दूसरी बात, अभी नेक्स्ट दिसंबर में हमारा जैसे कि आने ही वाला है तो वहाँ पे भी आपको काम आ जाएगा, प्री के लिए भी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी, टाइम मिल जाएगा और मेंस में भी आपका भी सारी चीज़ें कंप्लीट रहेंगी, ठीक है। तो ये रहा कुछ कट ऑफ, अगर आप इसके आसपास हैं सो गुड लक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपके कितने नंबर हैं ये आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में इस बार, और विद कैटेगरी वाइज बताइएगा, तो इससे और थोड़ा अंदाज़ा मिलेगा, आपको भी अंदाज़ा मिलेगा कि कितना कॉम्पिटिशन है और मुझे भी इस बात का अंदाज़ा मिलेगा कि अच्छा वाकई जो कट ऑफ हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं हो सकता है इतना जा सकता है। तो थैंक यू सो मच और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। सो